हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एमएस क्लासेस। आज हम सीक्वेंस सीरीज़ में कुछ आगे की डेफिनेशंस करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड की डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में बेस्ड थी हमने ट्राई की थी। ओके, आज हम करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन और ये है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है? ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो सीक्वेंस ना तो कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे। ए सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ऐसे सीक्वेंस जो नहीं कन्वर्ज कर रही है ना ही डाइवर्ज कर रही है। फॉर एग्जांपल ए एन सीक्वेंस अगर हम लेते हैं माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू एन, ओपन करें इसको, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, 1 पुट करेंगे। जैसे ही आप 1 पुट करिएगा माइनस यहाँ पे 1 माइनस 1, 2 पुट करेंगे पॉजिटिव 2 क्योंकि माइनस 1 की पावर 2 इज अ 1 एंड n के प्लेस पे आप 2 पुट करेंगे 2 आएगा, है ना। 3 पुट कर रहे हो माइनस 3, 4 पुट कर रहे हो प्लस 4, माइनस 5 प्लस 6 अप टू 100, इस तरह से चलते रहेंगे। अब आप इसके नंबर्स देखेंगे तो यहाँ से देखिए माइनस 1, इसके बाद माइनस 3, ये इधर जा रहे हैं माइनस 5, माइनस 7 अप टू 100, और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 2, 4, 6 अप टू 100 ये इधर जा रहे हैं, है ना। सो ना तो ये कन्वर्ज करेगी ना ही ये डाइवर्स कर रही है। एंड ओसिलेटरी सीक्वेंस भी दो टाइप की होती हैं, एक हम कह सकते हैं कि ओसिलेटरी फाइनाइटली और एक को हम कहेंगे ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। देखिए क्या डिफरेंस है इसमें। ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस क्या होती है? वो सीक्वेंस जो बाउंडेड है और इनफाइनाइट है, मतलब जो ऑसिलेट कर रही है। ओके, ए सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एंड ऑसिलेटरी, जो ऑसिलेट तो करती है लेकिन वो सीक्वेंस बाउंडेड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए एन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन, इस सीक्वेंस को अगर हम ओपन कर रहे हैं सो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे माइनस 1 आएगा, 2 पुट करोगे 1 आएगा, माइनस 1 1 माइनस 1 अप टू 100। अब हम चेक करें कि सीक्वेंस बाउंडेड है अनबाउंडेड है। रेंज देखिए, रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस क्या होती है? रेंज सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, जो जो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं उनका सेट रेंज बोली जाती है सीक्वेंस की। अगर रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड है। ओके, सीक्वेंस अगर बाउंडेड चेक करनी है तो आप इसकी रेंज चेक कीजिए। यहाँ पे हम बताएंगे कि एज रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सो सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड। और ऑसिलेट तो एक कर ही रही है। अब यहाँ पे देखिए आप बार बार वही टर्म्स रिपीट हो रही हैं, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अप टू 100 इन्फिनिटी तक जो है इनकी टर्म्स चलती जाएंगी। सो इस तरह से हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस है लेकिन बाउंडेड है, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली इसमें हम क्या बताएंगे? वो सीक्वेंस जो अनबाउंडेड है और ऑसिलेट करती है। क्लियर? दिस सीक्वेंस विच इज अनबाउंडेड अनबाउंडेड एंड ऑसिलेट, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू जीरो, मीन्स अगर ए एन सीक्वेंस लेते हैं हम और ए एन अगर जीरो को कन्वर्ज करती है तो हम ए एन सीक्वेंस को नल सीक्वेंस बोलते हैं, है ना।
कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए n इज इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल 1/n सीक्वेंस, 1/2n या फिर 1/2n-1, अगर इस टाइप की सीक्वेंस है, अगर आप n को इन्फिनिटी पुट करिएगा तो इन सभी की जो वैल्यूज़ आएगी वो ज़ीरो आएगी, है ना. n टेंस टू इन्फिनिटी सो 1/n टेंस टू ज़ीरो, 1/2n टेंस टू ज़ीरो, इसी तरह से 1/2n-1 टेंस टू ज़ीरो. तो ये सभी के सभी नल सीक्वेंसेस हैं. ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज ए सीक्वेंस ए एन इज अ नल सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ ए एन इज अ नल सीक्वेंस. मीन्स अगर ए एन सीक्वेंस नल सीक्वेंस है, हमें प्रूव करना है कि मोड ऑफ ए एन भी नल सीक्वेंस होगी. ओके, कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है, हमें यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ बोला गया है. तो स्टार्टिंग में हम लेके चलते हैं कि ए एन इज अ नल सीक्वेंस मीन्स ए एन कन्वर्स ज़ीरो, कन्वर्स टू ज़ीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एम या फिर एम इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए एन किसको कन्वर्स कर रही है, ज़ीरो को. ए एन माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. ठीक है, अब हमें ये पता, ये गिवन है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन का यूज़ कर लिया. इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ए एन, क्योंकि माइनस जीरो है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. मोड ऑफ ए एन, अगर मैं इस टर्म को ऐसे लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं है, है ना. लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड मोड ऑफ ए एन माइनस जीरो मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. सो यहाँ से डेफिनेशन अगर हम चेक करें तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि मोड ऑफ ए एन कन्वर्स टू ज़ीरो. अगर ए एन कन्वर्स कर रही थी तो ए एन माइनस जीरो हमने लिखा था, है ना, जो जिसका मोडलेस लेस देन एप्सिलॉन होगा. यहाँ पे किसका मोडलेस है, मोड ऑफ ए एन. सो मोड ऑफ ए एन कन्वर्स टू ज़ीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली अगर हम प्रूव करते हैं सो बिल्कुल इसके अपोजिट हमें चलना होता है. हमें यहाँ पे गिवन है लेट मोड ऑफ ए एन कन्वर्स टू ज़ीरो. मोड ऑफ ए एन ज़ीरो को कन्वर्स करती है, मतलब कि मोड ऑफ ए एन हमारे पास नल सीक्वेंस गिवन है. ओके, अगर ये हमारे पास नल सीक्वेंस गिवन है सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट मीन्स ए एन यहाँ पे मोड ऑफ ए एन ज़ीरो को कन्वर्स कर रही है. सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस ज़ीरो मोडलस लेस देन एप्सिलॉन. सो इसको आप लिख सकते हो एज मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी लेस होता है मोड ऑफ ए माइनस बी के. ओके, सो ये हम यहाँ पे इक्वालिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो इसको मैं लिख सकती हूँ मोड ऑफ ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए एन जो जीरो को कन्वर्स करती है दैट मीन्स ए एन हमारे पास नल सीक्वेंस है. नेक्स्ट थ्योरम, इफ बी एन इज अ नल सीक्वेंस एंड मोड ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी एन फॉर ऑल एन, ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, ये आपको प्रूव करना है. सो बी एन हमें नल सीक्वेंस गिवन है, देयर फोर एज बी एन इज अ नल सीक्वेंस implies that bn converges to zero. So for epsilon positive there exists a positive integer m such that mod of bn minus zero less than epsilon for all n less than equal to m. यहाँ से हम लिख सकते हैं कि mod of bn less than epsilon for all n greater than equal greater than equal to एम के. ओके, एंड यहाँ से हमें गिवन है कि ए एन मोड ऑफ ए एन लेस देन है मोड ऑफ बी एन से. ओके, सो अगर बी एन मोड ऑफ बी एन लेस है एप्सिलॉन से और हमें गिवन है एज मोड ऑफ ए एन लेस देन मोड ऑफ बी एन एंड
दिस इज़ लेस देन एप्साइलन. सो हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ए एन लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्साइलन कोई चेंज नहीं आएगा. और ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू जीरो, जो जीरो को कन्वर्ज करती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होगा सीक्वेंस उसी को कन्वर्ज करेगी, वही इसकी लिमिट होती है. अब आपको देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं. सबसे पहले आपको जो है वो nth टर्म में सीक्वेंस की टर्म दे दी जाएंगी, फिर आपको सीक्वेंस की टर्म्स यहाँ से बतानी है. जैसे कि लिस्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, इसकी पहली पांच टर्म की लिस्ट बनाइए. सो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और आपको रिलेशन दे दिया जाता है n में, an प्लस वन इक्वल टू 3an प्लस वन. सो हमें ये पता है कि जो सीक्वेंस है उसमें n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है. सो आपको n की वैल्यू 1 से यहाँ पे पुट करनी स्टार्ट करनी है. n इक्वल टू 1 लिया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा a2 यानी कि सेकंड टर्म मिलेगी मुझे 3a1 प्लस वन. a1 की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 1 प्लस 1 इज अ 4, सो a2 की वैल्यू आ जाती है 4. अगर n को मैं 2 पुट करती हूँ a3 इक्वल टू 3a2 प्लस 1, a2 की वैल्यू 4, 12 प्लस 1 इज 13. ठीक है, इसी तरह से आपको n इक्वल टू 3 के लिए निकालना है, इसी तरह से n इक्वल टू 4 के लिए. स्टार्टिंग की पांच टर्म की लिस्ट बनानी है आपको, सो a5 तक आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ऐसे यहाँ पे a13 गिवन है, a25 गिवन है, an प्लस 1 इक्वल टू an प्लस 1. n में आपको रिलेशन दिया गया है, यहाँ पे स्टार्टिंग की दो टर्म्स आपको गिवन है. n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ सो a3 थर्ड टर्म मुझे मिलेगी, a1 प्लस यहाँ पे पुट किया a2 हो जाएगा. a1 की वैल्यू 3 हमें गिवन है और a2 की 5, सो थर्ड टर्म आ गई हमारे पास 8. अगर n को 2 पुट करोगे a4 a2 प्लस a3, a2 की वैल्यू 5 प्लस a3 8 13. इसी तरह से n इक्वल टू 3 के लिए निकालोगे, 3 रखा हमारे पास a5 आ जाएगा a3 प्लस a4, a3 की वैल्यू 8 प्लस 13. ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी फिफ्थ टर्म. क्लियर, सो इस तरह से आपको टर्म्स nth जो रिलेशन है उसमें दे दी जाएंगी n रिलेशन में, और स्टार्टिंग की कुछ टर्म दे दी जाएंगी और आपसे टर्म्स पूछी जाती हैं. इस तरह से आपको टर्म्स इसकी फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पे आपसे nth टर्म पूछी जाएगी. सीक्वेंस की कुछ टर्म आपको दी गई हैं और कहता है कि nth टर्म आप बताइए. तो जो फर्स्ट सीक्वेंस है 1 4 9 16, देखते ही पता चल रहा है कि स्क्वायर्स हैं. 1 square equal to 1, 2 square equal to 4, 3 square equal to 9. सो इस तरह से चलते जाएंगे, इसकी nth टर्म आ जाएगी n square. सो nth टर्म इज n square. ओके, यहाँ पे देखते हैं भाई, फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो a1 हमें गिवन है 1/2, 1/2 को मैंने लिखा 1 plus 1. a2 यानी कि सेकेंड टर्म, ये हमें 2/3 गिवन है 2/2 plus 1. a3 गिवन है 3/4, 3/3 plus 1. ठीक है, सो इस तरह से आप देखिएगा कि चेंज कहाँ पे आ रहा है. 1 1 दोनों सेम, 1 2 2 दोनों सेम, 3 3 दोनों सेम, और 1 1 सब में सेम ऐड हो रहा है ना. चेंज आ रहा है इन दो प्लेसेस पे. दिस सबसे पहले टर्म में है 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3 3, फोर्थ में लेंगे 4 4 आ जाएगा, लेकिन 1 सब में सेम ऐड होता है. सो nth टर्म में करेंगे, अगर मैं यहाँ से nth टर्म निकालती हूँ, nth टर्म मीन्स an निकाल रहे हैं, दिस इज n बाय n प्लस 1, क्योंकि 1 तो सब में सेम ऐड होता है. अप टू सॉन nth टर्म इज दिस 1/3 माइनस 1/9, 1/27 माइनस 1/81. सो इसमें हम देखेंगे कि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरह से साइन ऑसिलेट कर रहे हैं. पहली टर्म में a1 है 1/3, इसको मैं लिखूंगी माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि मुझे ये पॉजिटिव लेके आनी है, 1/3 raised to power 1. a2 माइनस 1/9 माइनस 1/3, यहाँ पे माइनस 1 की पावर 1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिमेट्री बनानी है. पहली टर्म में
माइनस वन की दो पावर है, सेकेंड टर्म में माइनस वन की तीन पावर लेके चलेंगे, आएगा तो माइनस ही, वन बाय थ्री स्क्वायर इज अ नाइन, ए थ्री टर्म वन बाय ट्वेंटी सेवन, इसको हम लिखेंगे वन बाय माइनस वन की पावर चार लिख सकते हैं, पॉजिटिव रहेगा, और थ्री क्यूब ए फोर इज माइनस वन बाय एटी वन, इसको हम लिखेंगे माइनस वन की पावर पाँच और थ्री रेज टू पावर फोर। अब टू सो ऑन एन एस निकाल सकते हो माइनस वन की पावर, अब आप देखिए अगर वन है तो माइनस वन की दो पावर है, ए टू है सेकेंड टर्म में माइनस वन की तीन पावर है, थ्री है तो माइनस वन की चार पावर है, जब आप एन एस निकालिएगा तो एक एन से एक ज़्यादा यानी कि एन प्लस वन, ठीक है। और अगर फर्स्ट टर्म है थ्री की वन पावर, सेकेंड टर्म थ्री की टू पावर, थर्ड टर्म थ्री की थ्री पावर, इस तरह से एन एस लेंगे तो थ्री की एन पावर आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास एन एस टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। एन एस टर्म बता सकते हो, अगर एन एस टर्म गिवन है तो आप सीक्वेंस की टर्म निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट जो लेक्चर, आज के लेक्चर में ये तक करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 2.1 एक्सरसाइज। सो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।